अपने को गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अपने को ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, क्या गिवन है, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। तो इसको अगर अपन देखें तो इसको अपन सेपरेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अपन सेपरेट करके सॉल्व करेंगे, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे आई इजकल्स टू, इंटीग्रेशन आई इजकल्स टू लिखता हूँ मैं 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन डी एक्स। अब अगर अपन इसको सेपरेट करके लिखें, जैसे कैसे लिख सकते हैं ये, एक तो अपन 1 अपॉन इसके कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस, और अपन लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। अब अगर अपन यहाँ पे देखें अपन कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक तो यहाँ पे सीधे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अपन क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, और ये माइनस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कॉस एक्स को क्या मानता हूँ, टी। तो यहाँ पे अगर मैं कॉस एक्स को टी बोलूँ तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स को मैं क्या बोलूँगा, डी टी। तो यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी अपॉन कॉस एक्स को टी बोला था ना, तो नीचे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व करें अपन, तो ये वाली इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपन क्या जानते हैं, टेन एक्स होता है, और ये बाहर आ जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन टी स्क्वायर आ गया ना। तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर, तो ये टी की पावर क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी की माइनस टू डी टी, टी की पावर माइनस टू डी टी लिख सकते हैं 1 अपॉन टी स्क्वायर को, टी की पावर माइनस सेक स्क्वायर एक्स का, तो अपन फॉर्मूला बेस टेन एक्स आ गया ये, तो ये टेन एक्स प्लस, इसमें अपन क्या करें, टी की पावर माइनस टू प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दें। अब यहाँ पे अपना ये सॉल्व हो गया, ये क्या आ गया, ये आ गया टेन एक्स और माइनस टू प्लस 1 माइनस 1, तो ये पीछे का आ गया माइनस अपॉन 1 अपॉन, ये क्या आ जाएगा, टी 1 अपॉन टी प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट टी। टी मैंने किसको बोला था, टी मैंने बोला था कॉस एक्स को, तो यहाँ पे अपन कॉस एक्स की वैल्यू रख दे, तो ये फाइनली क्या आ गया, टेन एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस सी, या 1 अपॉन कॉस एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स भी लिख सकते हैं। यहाँ से ये क्या आ जाएगा, टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी, तो यहाँ से आ गया ये टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी। तो ये हो गया अपना फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस इंटीग्रेशन।